रखो, चमड़ी का न रखो। फरमाया हर शायद रब की बारगाह पेश करते हो, क्योंकि वो रब ने तुम्हें दिता सी, रब ने थोड़े को कुर्बानी मंगी है, सारा कुछ पेश कर दो। जनाबी इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी दे, मतलब 200 पहले 100 कुर्बान किया, फिर 200 और कुर्बान किया, गोश्त नहीं खाता आपने, सारे कुछ को तकसीम कर दिता। तो आखिर के अपने बेटे की कुर्बानी देते तो सुरख रूह हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया, ऐ मेरे प्यारे खलील, असीं तेरी कुर्बानी कबूल कर लिता, तो आने वाले फरमाया दसना चाहते हाँ कि असीं पैगंबरां तो जिहड़ी कुर्बानियां दित्ती है उन्हां दी औलाद दी दित्ती है, पर तुहाड़े तो तुहाड़ी औलाद दी कुर्बानी नहीं लैणी। मौला ए करीम फिर कैसी कुर्बानी लाएगा? या अल्लाह असीं ते जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, कोई भेड़ कर रहे हैं, कोई गाय कर रहे हैं, कोई भेड़ा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ दिमाग कर रहे हैं। मौला ए करीम तू ते इब्राहिम नु आ गया, मैं तेरी औलाद की कुर्बानी मंगदा पाया। मालिक ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अपने उम्मतियां नु कह दियो, अपने गुलामां नु कह दियो, ऐ मेरे प्यारे हबीबीना नु दस दियो कि जेड़ा बंदा मेरी राह दे विच कुर्बानी करेगा, फरमाया सवाब उतना ही अता करांगा जिन्ना इस्माइल अलैहिस्सलाम व सलाम नु इब्राहिम। सुभान अल्लाह। इब्राहिम का सवाब अता, यानी कि इस्माइल का सवाब इब्राहिम नु अता कीता कि जिन्ने उन्हें अपनी औलाद नु कुर्बान कर दिता है। फरमाया इस वास्ते अल्लाह ने खूबसूरत जानवर मंगया, खूबसूरत कुर्बानी मंगी है, क्योंकि औलाद भी प्यारी होती है, बंदे की दौलत भी प्यारी होती है। मालिक ने फरमाया कि आओ मेरी बारगाह में कुर्बानी दे के सुरखरू हो जाओ। फरमाया अपने माल नु पाक कर लो, अपने माल नु पाक कर लो। फरमाया अपना बोझ ला लो। फरमाया जेड़ा बंदा कुर्बानी करता है अल्लाह उन्होंने अजर भी अता फरमाउंदा है। फरमाया मौत दे वक्त कलमा शहादत भी नसीब हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये बंदे को समझ की गल है। बंदा कहता है देखो ना जी कुर्बानी बंदा करता पे है, हूँ देखो ना जी गोश्त भी खुद खा रहे हैं, गोश्त भी खुद खा रहे हैं, सारा कुछ खुद कर रहे हैं ना जी। तो अल्लाह को खून की लोड़ है, साड़ी लोड़ है खून की, कोई लोड़ नहीं। अल्लाह को साढ़े बकरिया की बछड़िया की लोड़ है, कोई लोड़ नहीं, ना गोश्त की लोड़ है। अल्लाह फरमाया दिता भी तू आ खाओ भी तू सी। सुभान अल्लाह। दिता भी तू खाओ भी तू सी, अजर भी तू आ सुभान अल्लाह खाओ भी तू सी, अजर भी तू दे रहे हैं। मौला ए करीम अच्छा यादा जब असी कुर्बानी कर जाइए तो फिर की पढ़ना चाहिए? आका ने ही सलात व सलाम की पाक बारगाह में सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी का फिदा का भी कसम सलाम, जब असी कुर्बानी करने वास्ते जाइए तो पढ़ना की चाहिए? हूँ जो कुर्बानी की जानवर लैके जो जा रहे हैं कुर्बानी गाह के बच्चे, हूँ जाके बंदा जो खड़ा हो जाए खुदू बन के तो उन्होंने पता ही ना हो करना की है। हैं कसाई को बिठा दे, कसाई को आगे डा दे भाई ना ना। अल्लाह ने फरमाया पर जानवर खड़ा है ना, फरमाया आका ने ही सलात व सलाम ने उस दिन रब ने फरमाया आके हम हाथ चुको रब की बारगाह में, या ना मैं बड़ा गरीब हाँ, मैं बड़ा निकम्मा जहा बंदा हाँ, या ना बड़ा गुनाहगार हाँ, बड़ा बदकार हाँ, तेनू तो पता ही मेरे सारे गुनाह ने, सारे ऐबा का पता है, तेरे तो कोई छुपी है गल, या ना बस मेरे को माफ कर दे। एक छोटा जा कुर्बानी का जानवर ये तेरी बारगाह में पेश करना, या ना क्रामत मेरी सवारी बना दे, ज्यादा तेरा की खाता है जी अगर तू रहमत फरमा दे रहमत उन्नी डाला मीने सदके ना, ज्यादा कबूल फरमा। अल्लाह फरमा मैंने जो बंदा दुआ करता है फरमाया फिर जानवर के हलकूम के उत्ते छुरी रखता है और कहता बिस्मिल्लाह, क्योंकि बंदे देखो अरबी दुआ नहीं आती ना उर्दू के बिच कह लें, कोई जरूरी नहीं कि अरबी के बिच ही पढ़े, हाँ जी अरबी के बिच ही पढ़नी नहीं नहीं उर्दू के बिच पढ़ लो यार, एक ही गल उर्दू के बिच दुआ करो अल्लाह की बारगाह के बिच, या अल्लाह ये तेरी बारगाह के बिच फिरिया पेश कर लेना, ये कबूल फरमा ले, जेड़ा मेरी हैसियत है जी मेरी ताकत है, या अल्लाह अगर जो मेरे बिच होर ताकत हुई ना तो मैं इस तो भी वद कराँगा कि या अल्लाह ये अपनी पाक बारगाह के बिच कबूल फरमा, तो कबूल फरमा के या अल्लाह ये मेरा हुस्ने ज़न है, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह के बिच ये माफ़ी भी मंगना तो तौबा भी करना गुनाह तो नाले ये जरा फिरिया पेश कर रहे हैं ना, ये कुर्बानी जी पेश कर रहे हैं तेरे तो एहसान नहीं कर रहे हैं, तेरे उत्ते आसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं अपनी आखरत को सुधार रहे हैं, अपनी आखरत को संवार रहे हैं, कि मैनू पता है कि कयामत दे दिन किसने मेरी सवारी बनी, उच्ची बात बोलिया कयामत दे दिन मेरी सवारी बननी है। आओ तवज्जो करो, हुण सवारी का भी मुकाम देखो, अपना भी मुकाम देखे बंदा क्या
जेड़ा बंदा नमाज़े फजर ईद उल अधा दे दिन जेड़ा बंदा नमाज़े फजर ईद उल अधा दे दिन नहीं अदा करता फरमाया उसकी ईद उल अधा की नमाज भी ईद उल अधा की नमाज भी नहीं कबूल नहीं हो जेड़ा बंदा नमाज़े फजर ईद दिन अदा नहीं करता और फरमाया कि जेड़ा बंदा हुण मंगल दे दिन नौ दिन हज फजर तो जो है तकबीर तशरीह शुरू होती है हर मर्द बालिग मर्द औरत दे वो वाजिब है जरूरी है एक दफा पढ़ना वाजिब है तीन दफा पढ़ना सुन है ठीक है ना ते औरत आहिस्ता पढ़े हर फर्ज औरत आहिस्ता पढ़े मर्द हुक्म है वो तेज पढ़े ऊंची आवाज में पढ़े अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कोई गल नहीं सवाब वास्ते पढ़ लो केड़ी कोई लड़ा अंदर मैं कोई चुरी फिरन थोड़ी लगी सुभान अल्लाह हां मैं कोई कुर्बानी पहाड़ी थोड़ी करनी है यार तू ऊंची आवाज में पढ़ो क्यों डरते क्यों अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह हम फरमाया कि जेडे अल्फाज है ना ये तेरे मेरे बनाए नहीं फरमाया ए रब्बुल आलमीन इब्राहिम ने आख्या अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर फिर जब इस्माइल ने सुनिया उन्हें आख्या अल्लाह अकबर वलिल्लाहि हम्द ए जिब्राइल की तस्बीह जिब्राइल की तस्बीह इब्राहिम भी सुभान अल्लाह इस्माइल भी तस्बीह ते अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे खली ऐ मेरे प्यारे इस्माइल मैनू मेरी रबूबियत की कसम है कयामत तक आन वाला इंसान आन वाला मोमिन हर बंदे नु हुक्म होएगा ये तकबीर मुशरीक पढ़े सुभान अल्लाह और पढ़ते भी हैं अलहमदुल्ला की हम सब सारे पढ़ते हैं अपने नौ दिन तो लैके अपने तेर दिन की रात की असर तक ये पढ़ी जाती है ठीक है ना तो ये बहुत बड़ी गल है कि लोगों को नहीं पता होता अपने घर भी जाके दस्यो बरोज मंगल कि नहीं रोज मंगल ये आने वाला मंगल अगला मंगल नहीं ये आने वाला मंगल बुध नु ईद ना आने वाला मंगल बरोज मंगल नमाज फजर तो बाद और फर्ज तो बाद पढ़नी है फर्ज तो बाद हर फर्ज तो बाद पढ़नी है तेरहवीं दिन हज की असर तक पढ़नी है ये तकबीर कई माइयों को याद नहीं आते कई भाइयों को याद नहीं रहता तो लिहाजा ये याद रखिया करो ये मसाइल होते हैं कि अल्लाह के हबीब प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा जान बुझ के ये तकबीर तशरीह छड़ देता है फरमाया वो बहुत बड़ा गुनाहगार बहुत बड़ा गुनाहगार जान बुझ के अगर कला पढ़ रहा फर्ज तो भी पढ़ेगा इमाम नाल पढ़ रहा पर भी पढ़ेगा अगर कजा करके पढ़ रहे बोलो भी पढ़ेगा ठीक है ना जी हाँ ये माफी नहीं ठीक है ना वो पढ़ेगा क्यों पढ़ेगा इस वास्ते मेरे रब का हुक्म मेरे रसूल का हुक्म अच्छा ये लोग जो हाजी हज करने वास्ते जाते हैं नींद बड़ी तेजी आ रही है हाजी हज करने वास्ते जाते रहे क्यों भाई मेरी दर्द हो जाए को यार एलाब तो थोड़े नाल मेरा हो रहा मेरे दर्द हो जा करो और मैं जो जिन्हों भी कह रहा मैं इशारा तो नहीं कर रही हाँ वो मेरा मसला है अब वजह अगर लोग आज ही हज करने वास्ते जाते हैं नमाज खर्च करते हैं हज साहब माशाल्लाह गए हैं अज देखो किन्ने लोग अज भी बैठे ने इतनी उम्र जिन्हें उम्र कितने वो भी बैठे ने जो मक्के दे हरम का जिक्र आता है ना तो जो मदीने का जिक्र आता ना हाजिया तो पूछो जिन्होंने उमरे किए ने यकीन करो पता की कहते हैं यार जो जिक्र आता तो ऐवें होता जिम्मे के सामने मदीना जिम्मे मदीने के बैठे हैं असं सानू तो खबर नहीं होती असं बैठे ही मदीने के अल्लाह अकबर कुर्बान जावा तो लोग हाजी हज करन जा रहे हैं सारा माल खर्च करते हैं दुनिया नहीं छड़ देते हैं इतों भैन भीरा छड़ते हैं रिश्तेदार छड़ते हैं असीं छड़ते हैं उच्चे चले जाते हैं सारे रुकन अदा करते हैं मदीने पाक भी जाते हैं हाजिरी भी पेश करते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं
अल्लाह अकबर। आओ मौला अली का फरमान ना सुना दे मत बंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली पाक का फरमान ना सुना दे मत। मौला अली फरमाते ने जब हाजी वापस आंदा ना, वापस आंदा जब अपने घर के दरवाजे के ऊपर फरमाया हाजी नु आखिया करो दुआ कर साडी वास्ते। फरमाया वो क्यों? इस वास्ते जेड़ा हाजी होता है ना, हज करके आता है और ओदे रसूल तो आता है। मेरे आका का फरमान है जेड़ा मेरा एक दफा मेरा रोजा वेख लेवे तक लेवे उस दे उते मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तेरे ते मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब बंदा हरम शरीफ के विच आता है, काबा शरीफ के विच आता है, तवाफ काबा करता है, फरमाया उस दे गुनाह ऐवें धुल जांदे ने, फरमाया जिवे मां दे पेट दे विचों अजी पैदा हो गया। सुभान अल्लाह। तवज्जो नहीं आले, तवज्जो नहीं हुई थोड़ी। मक्के दे विच रब पाक करदा पया गुनाह दे, गुनाहों तो पाक करके उठ के दा मदीने जा। पहले नहीं कह सकता सी मदीने जा, क्यों भाई हाजी जो गया। अल्लाह पहले कह सकते मदीने जा, मदीने जाके हाजी लवा के फिर इतने आके तवाफ काबा कर लेनी, सारा कुछ करी। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, इतने पहले पाक बोले, गुनाहों तो पाक बोले। सुभान अल्लाह अखा नु मुसल दे दा, गुनाहों तो पाक बोला, अखा नु मुसल दे दा, आबे जमजम नोश कर ला। सुभान अल्लाह आबे जमजम न नाला, हाय हाय हाय। ते फिर इतने मेनू आला हालत याद आ जाते ने। आला हजरत फरमाते ने जब सारा कुछ कर लेता ना, ते मदीने पाक की तरफ रुख करता बंदा, मदीने पाक की तरफ रुख करता, ते फिर शायद कलम उठाता कहता है हाजी रोशन शाह का बोला देखो। सुभान अल्लाह। क्योंकि बड़े दिनों तो तुम खाले बना रहे हो, मैंने पता है तुम थके बैठे हो, थके बैठे हो, वजूद बिल्कुल थकिया होया है। मैं पता है, मैं एहसास है अल्लाह तुम्हारी थकन को ला देवे मदीने वाले का सदका। सुभान अल्लाह। आला हजरत की फरमाते ने, आला हजरत फरमाते ने जब मदीने दे वल हाजी दा मुंह होता है, जब मदीने वल रुख होता है, सफर तैयार होता है, तो काबा की कहता है? काबा कहता है कि मैं छड़ के जा रहे हो काबे दे वल। देखो काबा को देख चुके काबे का काबा, फकत जरा मेरे साथ नहीं दे रहा, फकत मेरा साथ नहीं दे रहा।